ब्यूरो चीफ भूपेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र को लाइए स्क्रीन पर। भूपेंद्र, ऐसा लग रहा है कि अब आखिरकार आपकी भी दो तीन चार महीने की जो मेहनत है वो आज कुछ हद तक आपको भी आराम मिलेगा। आपने भी खूब भागदौड़ की है, लोगों की नब्स को टटोला है, वोटरों से बात भी की है। एक तो मैं आपका विश्लेषण समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आज जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, आज हर कोई अपना प्रिडिक्शन, अपनी भविष्यवाणी आज सब करने के लिए फ्री हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा था दूसरे राउंड की वोटिंग खत्म होने तक आप इस तरह का कोई भविष्यवाणी, कोई अंदाज़ा, कोई एग्जिट पोल नहीं करेंगे। मैं इसीलिए आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना अंदाज़ा बताइए। भूपेंद्र, आप वोटरों में क्या देख रहे हैं? वोटिंग कम क्यों हो रही है और एक सेंस आपको किन मुद्दों पर वोट पड़ने का मिल रहा है? भूपेंद्र, देखिए मानक, अलग अलग इलाकों में आपको अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलेगी। आप अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाएंगे तो आपको सरकार विरोधी बयान मिलेंगे, और वहीं पर अगर उनकी फेवरेबल सीट्स पर जाएंगे तो उनके बयान सुनने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली साफ तौर पर कि बहुत सारे मतदाता जो हैं वो साइलेंट भी रहे हैं, वो चुप रहे हैं, जो कुछ जिन्होंने कुछ नहीं कहा है। अब की बार जिस तरह का प्रचार हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ कह सकते हैं, काफ़ी कम दिन मिले, सिर्फ 27 दिन मिले चुनाव अनाउंस होने के बाद में। 3 नवंबर को आचार संहिता लागू हुई, चुनाव की घोषणा की गई, और 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग के लिए तारीख तय की गई। 27 दिन मिले प्रचार करने के लिए। 27 दिनों में तमाम राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस को थोड़ा सा छोड़कर कह सकते हैं कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रोड शो, प्रचार, रैलियां, सभा, सोशल मीडिया, तमाम चीज़ें देखने को मिली। कांग्रेस भी अपने तरीके से कर रही थी, लेकिन उतना ज़्यादा लाउड कांग्रेस नज़र नहीं आई जितनी बाकी पार्टियां नज़र आई। मतदाता बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, जनता बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, उसके अंदर कोई जोश नज़र नहीं आ रहा था और आज भी नज़र नहीं आ रहा है। पिछले पहले चरण के मतदान में भी हमें देखने को मिला कि किस तरह से 6% के आसपास कम मतदान हुआ, और आज भी जिस तरह का मतदान हो रहा है, जो आंकड़े हमारे पास में आए हैं 3 बजे तक के, 50% मतदान हुआ है। पहले चरण में 48% था, दूसरे चरण में 3 बजे तक 50% है, 2% का इजाफा पहले और दूसरे चरण के अंदर देखने को मिल रहा है। जो परसेंटेज होना चाहिए था, जिस तरह का प्रचार हुआ था और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी और जिस तरह के टारगेट तय किए गए, तो उसमें तो ये माना जा रहा था कि कम से कम 70% के ऊपर जो है मतदान जाएगा, उससे भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो वोटरों में एक निराशा जरूर थी। अब ये निराशा जो है मानक, कांग्रेस के वोटर्स थे या फिर बीजेपी से खफा वोटर्स थे जो कांग्रेस की तरफ नहीं जाना चाहते थे या फिर कहीं और नहीं जाना चाहते थे, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मतदाता जो है उनमें एक निराशा जो है वो ज़रूर देखने को मिली है। वोटिंग पड़ी, वोट हुए हैं, ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि किसी परिवर्तन के लिए वोट होता हुआ दिखाई दे, ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया है। जहाँ पर भी हम घूमे हैं, यहाँ से लेकर सौराष्ट्र, मोरबी, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, तमाम जगहों पर, कुछ एक सीट को छोड़कर, कुछ एक सीट पर कहना पड़ेगा कि वहाँ पर चाहे वो कैंडिडेट की बदौलत हो, उनकी अपनी लोकप्रियता हो या उनका अपना असर हो, उसकी वजह से कुछ चीज़ें ज़रूर देखने को मिली। जैसे सूरत की अगर मैं बात करूँ, वाराछा, कतारगाम, इस तरह की जो सीटें थी वहाँ पर आपका असर देखने को मिल रहा है। डेडियापाड़ा, जहाँ पर चैतन्य वसावा जो है वो एक कैंडिडेट बहुत मजबूत माने जाते थे, वहाँ पर आपका असर कह सकते हैं कि जो एक कहा शुरुआत में ही कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला, तो कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर देखने को मिला। बाकी जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने नज़र आई। MIM ने जरूर पूरी कोशिश की, उन्होंने जो 13 कैंडिडेट मैदान में उतारे हुए हैं, BSP ने 44 उतारे हुए हैं, लेकिन MIM की ज़्यादा चर्चा हुई क्योंकि OBC लगातार डटे रहे मैदान में। हालांकि उनको लेकर भी यहां पर विवाद हुआ कि किस तरह से शाहपुर में उनके OBC गो बैक के नारे लगे, और जब वो रोड शो कर रहे थे तब भी उन्हें काले झंडे दिखाए गए। तो ये चीज़ें भी सामने आई कि OBC जिस तरह से वोटरों को एक तरह से पोलराइज करना चाहते थे, उसमें वो कहां तक सफल हो पाए, नहीं हो पाए, क्योंकि अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ, 4 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहाँ पर मुस्लिम मतदाता बहुत निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, और इन्हीं की काट
एक तरह से कह सकते हैं ओबीसी यहाँ पर लेने आए थे कि शायद उनके मतदाताओं को वहाँ पर उनके उम्मीदवारों को कुछ सफलता मिल जाए, और कहीं ना कहीं अगर उनके उम्मीदवारों को सफलता नहीं मिलती है तो बीजेपी जो है सीधे तौर पर उसका फ़ायदा उठाती हुई दिखाई दे सकती थी। अब ये तो हो गई उनकी बात, लेकिन मतदाताओं की अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, आदिवासी जो इलाके हैं वहाँ पर धुआंधार वोटिंग देखने को मिल रही है। आदिवासी में आपने देखा होगा 76% तक वोटिंग हुई, 78% तक, 82% तक वोटिंग हुई है नर्मदा तापी और इन जगहों में। तो जो इलाके ऐसे थे जहां पर समस्याएं हैं, जहां पर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, वहां पर ये हो सकता है कि मतदाताओं ने वोटिंग की है, वो वोटिंग परिवर्तन के लिए की है, पुनरावर्तन के लिए की है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि मतदाता निराश थे। अब ये निराशा कांग्रेस के मतदाताओं में थी, या फिर बीजेपी से खफा हुए मतदाताओं में थी, या फिर आप पार्टी के आने से वोट बट गए और मतदाता निराश हो गए, कंफ्यूज हो गए, ये अभी फिलहाल मानक कहना बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।